भारत विकास परिषद बरेली की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक शाखा संस्थापक एस के कपूर प्रांतीय संयोजक के तत्वावधान में संजय नगर स्थित साईं शिशु मंदिर में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती पर अति जरूरतमंदों को नए पुराने साफ सुथरे वस्त्रों का नि शुल्क वितरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांस्कृतिक और साहित्यिक शाखा का कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने निश्चय किया था कि संजय नगर में गरीब बच्चों के लिए साईं विद्या मंदिर पे वस्त्रों का हम वितरण करेंगे और जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए नाश्ता प्रदान करेंगे। इस संबंध में मुझे कहना है कि आज हम लोगों ने 650 से ज़्यादा वस्त्रों का वितरण किया है और विद्यालय की स्थिति को देखते हुए हम आगे भी मैं आश्वासन मेरा है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर करते रहेंगे जिससे कि यहाँ की कुछ आर्थिक और मदद होती हो सके और आगे भी जो है सपोर्ट हम इस तरह से देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे ये भी कहना है कि जिस तरह से मैडम ने कहा कि हमने 1.5 छात्राओं का वितरण किया है, जो मेधावी बच्चे हैं या किसी ऐसी निर्धन कन्या है जिसको विभाग के सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं प्राण अपने प्रतिष्ठित साथियों की तरफ से अपने जो है उनकी तरफ से ये वो आश्वासन देता हूँ कि हम यथाशक्ति उनकी शादी में सहयोग करेंगे। अग्रवाल, भारत विकास परिषद का संरक्षक हूँ। आज भारत विकास परिषद की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शाखा की ओर से हम लोगों ने वस्त्र वितरण का गरीबों के लिए एक कार्यक्रम रखा था। इसके अंतर्गत करीब 650 वस्त्रों का, जिसमें सभी तरह के वस्त्र थे, लेडीज के, बच्चों के और ऊनी वस्त्रों के, क्योंकि जाड़ों की अब शुरुआत होने वाली है, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी ने बहुत मिलकर सहयोग किया और जो कार्यक्रम के संयोजक थे श्रीमती दीक्षा सक्सेना जी और अनिल सक्सेना जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी सारे हमारी ये जो टीम आई हुई है, इन सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान रहा है और सभी लोगों ने अपनी तरफ से वस्त्र भी वितरण किए हैं, फल भी वितरण किए हैं, स्नैक्स बांटे हैं, बिस्कुट बांटे हैं। तो कुल मिला के आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी निरंतर हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे।